अभी तक जिनका भी नामांकन नहीं हुआ है स्नातक में, बीए, बीकॉम या बीएससी में, जिन्होंने नामांकन के लिए अप्लाई किया था स्नातक पार्ट वन में मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी में, उनका अभी तक नामांकन नहीं हुआ है, तो मैं इस वीडियो में आप सभी दोस्तों को बताने वाला हूं कि उन सभी छात्र नामांकन कैसे होगा। डायरेक्ट पार्ट वन में ए टू जेड सभी जानकारी आप सभी दोस्तों को इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है कि टोटल 45,000 अभी भी वैसे छात्र हैं जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया था लेकिन मेरिट लिस्ट में उनका नाम नहीं आया था, तो अब उनका डायरेक्ट नामांकन कैसे होगा, सभी जानकारी आप सभी दोस्तों को इस वीडियो में मिलने वाला है। अगर आप सभी दोस्त भी बिहार बोर्ड के और मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी के छात्र हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए जानते हैं क्या न्यूज़ में दिया गया है। तो न्यूज़ में दिया गया है दोस्तों, स्नातक में आवेदन व एडिट करने के लिए फिर से खुलेगा विश्वविद्यालय का पोर्टल। आइए इसको जूम कर जानते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लिखा गया है बिहार विश्वविद्यालय में स्नातक सत्र 22 से 25 की बची सीटों पर स्मार्ट एडमिशन नहीं होगा, डायरेक्ट एडमिशन नहीं हुआ, लेकिन विश्वविद्यालय की ओर से चौथी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जिन भी छात्र छात्राओं का अभी तक मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है तो उन सभी छात्र छात्राओं का चौथी मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। और उसमें अगर आपने सब्जेक्ट भी चेंज कराना है, और मान लीजिए ऑनर्स आप हिस्ट्री लिए हैं और आप ज्योग्राफी करना चाहते हैं तो यह भी सिस्टम रहेगा, ठीक है, आप एडिट करा सकते हैं। और जो भी छात्र छात्रा अभी तक ऑनलाइन आवेदन नहीं किए हैं, मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी में छूट गए थे, उनको भी आवेदन करने का मौका मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। उनका जैसे ही ऑनलाइन आवेदन होगा उसके बाद आप सभी दोस्तों के साथ चौथी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। अब बात कर लेते हैं कितने अभ्यर्थी वैसे हैं जो ऑनलाइन आवेदन किए हैं, तो 45,000 अभ्यर्थी नामांकन के इंतजार में है। स्नातक में नामांकन के लिए करीब 45,000 अभ्यर्थी इंतजार में है। मुजफ्फरपुर सहित 5 जिलों के 108 कॉलेजों में नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। 3 मेधा सूची के आधार पर 1,10,000 अभ्यर्थियों का नामांकन हुआ है। कुल 1,55,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। UMSI के ऑर्डिनेटर प्रोफेसर टीके डे ने बताया कि इस बार प्रथम होगा कि अधिक से अधिक अभ्यर्थी सही विकल्प का चयन कर ले ताकि मेधा सूची से उनका नाम आ सके। छात्र छात्राओं की सुविधा के लिए इस बार 3 में बढ़ाकर 10 कॉलेजों का विकल्प कर दिया गया है। इसके लिए पोर्टल खुला रहेगा। आर्ट्स के आवर के लिए इंटरमीडिएट के न्यूनतम 45% और साइंस कॉमर्स के लिए 50% अंक होना चाहिए। अगर आप आर्ट्स में आवेदन किए हैं तो 45, वहीं साइंस में आवेदन किए तो 50 अंक। पहले 3 कॉलेज का था, अब 10 कॉलेज का लिस्ट बढ़ाकर कर दिया गया था। आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप जाइए और अपना एडिट करा लीजिए फॉर्म, उसमें 10 कॉलेज का ऑप्शन डलवा दीजिए। जैसे ही आपका चौथी मेरिट लिस्ट आएगी हम आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे, इसलिए आप सभी दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। जैसे ही कोई और अपडेट आएगा हम आपके लिए लेकर आ जाएंगे, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा तभी आप सभी दोस्तों को इन्फॉर्मेशन मिल पाएगा, ठीक है दोस्तों।